तो हेलो नागपुरकर, आज के इस नए ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं लक्ष्मी नगर 8 रास्ता चौक पर, तो रानी लक्ष्मीबाई दुर्गा उत्सव मंडल में। और दोस्तों, ये जो मंडल है ये नागपुर का सबसे बड़ा और भव्य नवरात्रि उत्सव मंडल है। तो यहाँ का जो पंडाल है वो हर साल अलग अलग थीम पर बनता है और आकर्षण का केंद्र रहता है। तो इस साल भी भाई आप मेरे पीछे में देख सकते हो, बहुत ही जबरदस्त थीम पे जो है डेकोरेशन बनाया गया है। आप में देख सकते हो बहुत ही बढ़िया जो है पंडाल यहाँ पे आपको पीछे में देखने को मिलेगा। तो पिछले मतलब लास्ट ईयर जो है सपना लोक पर जो है थीम बनाई गई थी, और इस साल जो है काल चक्र के थीम पर जो है डेकोरेशन बनाया गया है। तो काल चक्र थीम क्या है वो जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को फटाफट से स्टार्ट। तो दोस्तों, अभी जो है हम आपको ये जो भव्य पंडाल है उसका डेकोरेशन पूरा दिखाते हैं, उसके बाद जो है माता रानी के लाइव दर्शन कराते हैं और काल चक्र के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये हम आ चुके हैं पंडाल के अंदर में, और भाई देख सकते हो कितना सुंदर और खूबसूरत तरीके से जो है भाई सजाया गया है। वाओ! और भाई यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको मूर्तियाँ, बहुत सारी मूर्तियाँ जो है रखी हुई देखने को मिलने वाली है, जो कि चारों तरफ जो है ये मूर्तियाँ रखी गई है, और सामने में जो है माता रानी के जो है दर्शन भी हो जाएंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर जो आपको चारों तरफ जो है मूर्तियाँ देखने को मिल रही है, उसमें आपको चक्र देखने को मिलेंगे जो कि 7 चक्र है, जिसे काल चक्र कहते हैं। तो आइए जानते हैं काल चक्र के बारे में। समय को बहुत महत्व माना गया है, समय का चक्र निरंतर मतलब कि कंटिन्यू जो चलता रहता है, इसी चलते चक्र को काल चक्र कहते हैं। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर इसी वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा तो वीडियो जो है भाई बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। काल चक्र के मैं आपको प्रकार बता देता हूँ कि कौन से है। काल चक्र के 7 प्रकार है: मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। ये थे काल चक्र के 7 प्रकार। तो 7 प्रकार की सारी फुल इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाके आप तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है पढ़ सकते हैं। तो आइए अब आपको माता रानी के लाइव दर्शन कराते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर पंडाल देखने के लिए आते हो तो यहाँ पर जो आपको खाने पीने की बहुत सारी जो चीज़ें मिल जाएंगी। तो अभी आप देखिए क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये क्या क्या है, नूडल्स, ग्रेवी मंचूरियन, और यहाँ पे छोले कुलचे भी मिल जाएंगे भाई, वड़ा पाव भी है। हाँ, और भाई यहाँ पर जो है आप जूस भी इंजॉय कर सकते हो, सभी तरफ के जो है यहाँ पे आपको जूस मिल जाएंगे। और आगे आकर भैया फिंगर ब्रेड पकौड़ा, भजे वड़े, और इस साइड में जो है भाई आपको आइसक्रीम, अपटाउन की आइसक्रीम मिल जाएंगे भाई, बेस्ट। इसके बाद जो है स्पेशल साबुदाना वड़ा, स्पेशल साबुदाना वड़ा खाना है क्या तुमको? और यहाँ पर जो है भाई आप पोहा भी इंजॉय कर सकते हैं। कौन सा, चने पोहा है कि सादा पोहा है? सादा पोहा है, सादा पोहा। तो सादा पोहा जो है भाई आप इंजॉय कर सकते हैं, रात को अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो सादा पोहा भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपको बहुत सारे वैरायटी के चूड़े मिल जाएंगे,
है ना। ये यहाँ पर जो आपको टेस्ट करने के लिए भी मिल जाएगा, तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। टेस्ट करने के बाद ही ले सकते हैं, तो टेस्ट करने के बाद जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। कचौरी है मीठी वाली, तो यहाँ पर जो है आप सभी के फेवरेट पानी पूरी भी मिल जाएगा और पापड़ी भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है पानी पूरी भी जो है भाई आप इंजॉय कर सकते हो। जिसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है गोलगप्पे, तो भैया इंदाल का चीला है ना, तो भैया ये भी जो है आप इंजॉय कर सकते हैं। कितने का ये? 80 रुपये का, 80 रुपये का एक पीस जो है भाई आपको मिल जाएगा। और ये क्या सैंडविच, ये सैंडविच भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। और फाइनली हम आ चुके हैं स्मोक बिस्किट, स्मोक बिस्किट भी जो है इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर आप। और मीठा पान भी जो है भाई यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो देखो दिखा दो वहाँ पर पट्टा से। ये भाई स्मोक बिस्किट खाने में अलग ही मज़ा आता है, मतलब स्मोक पान है भाई, स्मोक पान जो है इंजॉय कर सकते। कितने का है भैया पान? 50 का है और पान जो है भाई 50 का है ना, तो ये भी जो है आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भाई। सर दोस्तों यहाँ पर जो है आपको मदर डेयरी की फ्रेंचाइजी भी जो है देखने को मिल जाएंगी, तो यहाँ से जो है भाई आप सॉफ्टी वगैरह आइसक्रीम जो भी है आप ये इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। सर दोस्तों ये है मॉकटेल, कुछ नया ही लग रहा है, मैंने कभी ट्राई तो किया नहीं। तो कुछ यहाँ पर जो आपको प्राइस देखने को मिल जाएंगे, देख सकते कुछ इस तरह के प्राइस है। पीछे भी है क्या? तो पीछे में भी है कॉक मॉकटेल। एक ऐसा मीठा वगैरह लगता है, कड़वा वगैरह लगता है? रिफ्रेशिंग ड्रिंक होती है ये। अच्छा, कोई भी पी सकता है, बच्चे सभी लोग है ना। चलो ठीक है, तो ये भी जो है भाई यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको श्री महालक्ष्मी फास्ट फूड जो है देखने को मिल जाएगा, सोडा। सर दोस्तों यहाँ पर जो आपको फुटबॉल गेम देखने को मिल जाएगा, मतलब कि 20 रुपये का है ना, कितना चांस मिलता है? 20 रुपीज पर बॉल। और बॉल तो फिर पूरे गिलास गिर गए तो क्या मिलता है? 5 गिलास गिरने पर जो पसंद आएगा वो लेकर जाओ। अच्छा, जो पसंद है वो लेकर जाओ। क्या जो भी आपको ऐसा टेस्ट करना है आप कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने जो है ये पूरा भव्य पंडाल देख लिए, पंडाल का जो है पूरा डेकोरेशन जो है हमने देख लिए। तो भाई सच में जो है ये पंडाल का जो डेकोरेशन है सच में भाई नंबर वन जो है ये पंडाल है। तो आपने भी जो है भाई ये पूरा वीडियो देखा होगा, पूरा डेकोरेशन देखा होगा, तो आपको भाई कैसा लगा नीचे डिस्क्रिप्शन में बताइए। और आप भी जो है भाई यहाँ पर विजिट कीजिए, यहाँ का जो लोकेशन है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We'll be right back.